कंटेंट क्रिएशन के बाद और इतने बड़े स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू करने के दौरान आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग भी आई होगी, इम्प्रूवमेंट भी आई होगी। आपकी ऑब्जर्वेशन इस वक्त तक क्या है, जब से आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की और आज तक क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, प्लीज़। मेरे जी पर्सनल और जी प्रोफेशनल लाइफ जी में जी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि शायद मैं तजुर्बा ले ले के सीखती, काम कर कर के सीखती, वो मुझे उनकी टिप्स से सुन सुन के वैसे ही सीखने को मिल गया। आई मीन इतनी सारी टिप्स हैं, जैसे शेफ़ महबूब का मैंने इंटरव्यू किया था, असद उमर का मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो जब अपनी कहानी बता रहे होते हैं उस दरमियान में वो अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे उन्होंने हैंडल किया ये डिस्कस कर रहे होते हैं, और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया ये डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आई मीन एक टिप जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, शेफ़ महबूब ने एक बात बोली थी। वैसे तो मुझे बहुत सारे गेस्ट की मज़े मज़े की बातें याद रहती हैं और फिर मैं वो इम्प्लीमेंट भी करती हूँ अपने करियर में। तो शेफ़ महबूब ने कहा था कि कितनी भी कामयाबी मिले और कितना भी आपको चाहे वो पैसा हो या वो अटेंशन हो या वो पॉपुलैरिटी हो, अगर आपको मिल रही है ना उतना ही आप झुक कर रहें, क्योंकि ओके अगर आप वो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आ जाता है या अकड़ आ जाती है, आपको लगता है कि ओके अब तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मेरे पास ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं, वगैरह वगैरह, तो अगर आप में अकड़ आ जाएगी तो लोग तो नाराज़ होंगे, अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। एंड ही सेड कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं अपने करियर के पीक पे था और फिर मैं धड़ाम से नीचे आया हूँ, ओहो और फिर मैं वापस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला नाराज़ है मुझसे, और मैंने अपने अपने गुरूर को कंट्रोल किया, अपनी ईगो को कंट्रोल किया, फिर मैं वापस कामयाबी के रास्ते पर चढ़ा। तो अगर अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे ना तो उठा के पटक देंगे सही बात है। तो ये बात उन्होंने बोली थी और मुझे याद रही कि ईगो ऐसी चीज़ है जो आ जाती है, जैसे जैसे आप कामयाब होने लगते हैं ना वैसे वैसे अकड़, ईगो, एरोगेंस ये आने लग जाता है। तो वो उन्होंने ये बात बोली थी कि ईगो को बहुत कंट्रोल में रखें और आप बहुत आगे तक जाएंगे। इवन हम स्मॉल लेवल पर भी, हम किसी वेंडर से भी डील कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हमारी बात सुननी चाहिए, मेरी बात माने, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप वेंडर हैं तो आप मेरी सुने। जैसे इन्होंने कहा कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप उसके लेवल पे आके बात करेंगे और झुक के बात करेंगे तो सामने वाला जल्दी मान जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि आप अकड़ के साथ बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मुझे मेरे गेस्ट ने दी और वो मैंने पकड़ के रखी हैं और मैं वो इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अपने अंदर कोई फाइंडिंग्स ढूंढी इस इंटरव्यूज के दौरान? हाँ यार, ये बात जो हाईलाइट कर रहे हैं वो शायद मेरी पर्सनैलिटी में भी है और इसको कट ऑफ करना चाहिए। कट ऑफ करना चाहिए, ईगो तो थी अभी भी इसके है अलावा ईगो तो थी और अभी नहीं, भी है अगर कहीं ना कहीं। अगर अदर देन अभी भी दैट, है तो इसका मतलब आप अभी अमल नहीं अभी कर नहीं, तो रहे। देखिए 100% कोई भी चीज़ फटाफट इम्प्रूव नहीं हो अच्छा अच्छा सकती, अच्छा दिस विल ठीक टेक टाइम। लेकिन हाँ, मुझे ना कॉन्स्टेंटली मेरे ब्रेन में रहती है वो चीज़ कि अगर मैं किसी से भी डील कर रही हूँ तो मुझे अभी मुझे याद रहता है कि यार झुक के बात करनी है, भले ही मैं किसी तरह से पावर पोजिशन में भी हूँ तब भी मुझे झुक के बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत मैं बहुत ब्लंडर्स करती थी, जैसे मैं कभी भी ना प्रेपरेशन पे ध्यान नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू है तो मैं शुरू के इंटरव्यूज मैंने डायरेक्ट किए हैं, सही बस गेस्ट से बात की, लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ी, वो आ गए और मैंने बातचीत शुरू कर दी। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रेपरेशन इतनी वीक है कि अगर मैं थोड़े और आर्टिकल्स इनके बारे में पढ़ लेती तो मेरे सवालात बेहतर हो जाते। तो वो प्रेपरेशन वो तो भंड मार मार के मुझे आया, लेकिन अदर देन दैट मुझे गेस्ट ने भी फीडबैक दिया कि यार आप ये पढ़ लेती हैं, आप ये पढ़ लेती हैं, तो मुझे उससे रियलाइज़ हुआ। गलतियां तो मैंने बहुत इम्प्रूव की हैं, लिस्ट है उसकी तो पूरी। सही सही।